हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कोरियन सीरीज माय लवली लायर को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस सीरीज़ के स्टार्टिंग में हम गैंगस्टर ये सब को देखते हैं। वो सब तीन आदमी को बिल्डिंग के ऊपर लटका कर रखा होता है और इस ग्रुप का लीडर इन तीनों से पूछ रहा होता है किसने हमारा इन्फॉर्मेशन दूसरे आदमी से लीक किया है। तभी वहाँ पर हमारे फीमेल लीड सोलही का एंट्री होता है और वो उन सबके पास जाकर अपने क्लाइंट के बारे में पूछती है। तो वो लीडर कहता है, क्या तुम ही हो लायर हंटर? एक्चुअली में इसे लायर हंटर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सोलही सबको झूठ आसानी से पकड़ लेती है। आसान लफ्जों में कहे तो उसके पास झूठ पकड़ने वाला एक एबिलिटी है जो उसका गॉड गिफ्टेड है। और सोलही इन तीनों के पास जाकर सवाल करती है, वो इन्फॉर्मेशन किसने लीक किया है? तो ये सब कहते हैं, हमने लीक नहीं किए हैं। तो सोलही इन तीनों का जवाब सुनकर कहती है, ये तीनों सच बोल रहे हैं। तभी वहाँ पर एक और आदमी जिसका पाँव फ्रैक्चर होकर है, वो कहने लगता है, तुम इस लड़की के बकवास बातों पर क्यों बिलीव कर रहे हो? उसे ये सब कैसे मालूम चलेगा? तो सोलही ये सुनकर उस आदमी पर सवाल करती है, क्या तुमने ये लीक किए हो? तो वो आदमी साफ साफ मना कर देता है कि मैंने लीक नहीं किए है। तो सोलही समझ जाती है ये झूठ बोल रहा है। तो वो सबको बता देती है कि इसी ने इन्फॉर्मेशन लीक किया है। तो ये सुनकर वो आदमी कहने लगता है, तुम इस लड़की के बातों पर क्यों बिलीव कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए अपने पाँव फ्रैक्चर कर लिए। तो जब सोलही ये सब सुनती है तो उसे शक होता है, क्या सच में इसका पाँव फ्रैक्चर है या नहीं? और वो इसे चेक करने को कहती है। तो जब लीडर चेक करता है तो उसको पता चलता है कि इसका पाँव सच में फ्रैक्चर नहीं है। और इसके बाद सोलही अपना पैसे लेकर निकल जाती है और जब अपने कार के साथ जा रही होती है तो रास्ते में वो किसी लड़का को देखती है जो कि सॉकर टीम वाला यूनिफॉर्म पहनकर होता है। तो सोलही ये देखकर सरप्राइज हो जाती है और कहती है, कोई और भी है जो सॉकर टीम को यहाँ पर सपोर्ट करता है? और हम उस लड़के को देखते हैं जिसके हाथों में ब्लड वाला कपड़ा पकड़ा हुआ होता है। और नेक्स्ट डे सोलही कहीं जा रही होती है तो वो उस आदमी को देखती है जो पाँव फ्रैक्चर होने का नाटक किया था और अब सच में उसका पाँव फ्रैक्चर हो चुका है। और वो आदमी सोलही को मारने के लिए आया होता है तो सोलही यह देखकर बचते हुए भागने लगती है और जैसे तैसे पीछा छुड़ाते हुए बस स्टॉप पर जाती है और सियोल का टिकट लेकर बस में चढ़ जाती है। और वो आदमी अभी भी सोलही का पीछा कर रहा होता है और पीछा करते करते बस स्टॉप पर आ जाता है। तभी एक आदमी को हम देखते हैं जो एक लड़का को सियोल जाने के लिए मना कर रहा होता है और अपनी सिस्टर से ब्रेकअप करने के लिए भी मना कर रहा होता है। तभी हम वो लड़का को देखते हैं जो कि ये हमारे लीड रोल किम दोहा है और यहाँ पर दोहा वापस जाने के लिए मना कर रहा होता है। तो वो आदमी कहता है, तुमने मेरी बहन को चीट किए पर फिर भी वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो तुम क्यों ये ब्रेकअप कर रहे हो? तो दोहा कहता है, मैंने उसे कभी चीट नहीं की है। तो वो आदमी उसे मानने लगता है। तभी सोलही इस आदमी को ज़बरदस्ती बाहर जाने को कहने लगती है। तो वो आदमी इसे देखकर कहता है, क्या तुम दोहा की न्यू गर्लफ्रेंड हो? तो सोलही बचने के लिए हाँ कह देती है और धक्का देकर बस के बाहर निकालती है और बस स्टार्ट हो जाती है। और सोलही दोहा को देखकर कहती है, तुमने उसे रिटर्न में पंच क्यों नहीं दिया? तुम तो सच में एक चीटर की तरह एक्ट कर रहे थे। तो दोहा कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं चीट नहीं किए थे? तो सोलही अपना लायर हंटर वाला कार्ड दिखाती है। तो दोहा ये देखकर वो कार्ड नहीं लेता है और यहीं से सीन शिफ्ट हो जाती है और प्रेजेंट डे में सोलही को हम देखते हैं जो रेडी होकर एक लेडी से मिलने जाती है और वहाँ पर उस लेडी का बॉयफ्रेंड भी रहता है जो कि एज में छोटा था। और वो लेडी सोलही को इसलिए बुलाई है कि क्या उसका बॉयफ्रेंड सच में उसे पसंद करता है या नहीं, यही चेक करने के लिए बुलाई होती है। और यहाँ पर सोलही बातों बातों में जो जो क्वेश्चन उस लड़के से कर रही थी वो कॉन्फिडेंटली सब बोल रहा होता है। तो सोलही इस लड़के के बातों को सुनकर उसको ऐसा लगता है कि वो लड़का चीटर नहीं है। तभी वहाँ पर सर्वेंट आती है तो वो लेडी उस सर्वेंट को अपने बॉयफ्रेंड से मिलाती है। तो वो लड़का कहता है, हमने इससे पहले कभी नहीं मिले। तभी सोलही जब ये सुनती है तो उसे शक होता है और उसे पता चल जाता है कि ये दोनों पहले मिले हैं। तो वो पूछती है, क्या तुम दोनों इससे पहले मिले हो? तभी वो सर्वेंट के हाथों से ग्लास टूट जाता है। तो वो लड़का यह देखकर भागते हुए उस लड़की के पास जाती है। तभी सोलही एक चीज़ नोटिस करती है कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। तो वो पूछती है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तो वो ना कहती है। तो सोलही फिर से झूठ पकड़ लेती है और वो पूछती है, क्या तुमने इसे प्रेग्नेंट किया? तो वो ना कहता है। तो ये सुनकर सोलही समझ जाती है और उसका झूठ को पकड़ लेती है कि ये झूठ बोल रहा है। और यहाँ पर सोलही सब सच बता देती है कि ये लड़का चीटर है, ये बेबी इसी का है और इन दोनों को ब्रेकअप करवा कर चले जाती है। और हमें पता चलता है जो ड्रेस सोलही पहनकर होती है वो रेंट से लिया गया है और जो ड्राइवर है वो उसका फ्रेंड है। और वो कहता है, तुम रिचुअल क्यों नहीं करती हो? लोग इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है। तो सोलही कहती है, रिचुअल मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये सुनकर वो कहता है, शमन के लिए रिचुअल बेटर क्यों नहीं है? तुम पोजेस नहीं होने वाली। तभी सोलही के मदर के बारे में हमें बताया जाता है। जब सोलही पैदा भी नहीं हुई थी तब से उसकी माँ हर एक रिलीजियस प्लेस पर जाकर दुआ करती थी कि मेरे बच्चे के पास एक अनोखा एबिलिटी हो।
जिससे उन सबके पास कभी भी पैसे की कमी ना हो। इसी वजह से पता नहीं कौन सा गॉड ने उनकी दुआ को एक्सेप्ट करके इसे ये एबिलिटी दी। और हम देखते हैं सोली के पास बचपन से ही सबके झूठ पकड़ लेती थी, जैसे कि जब वो अपनी माँ से कोई टॉय का डिमांड करती तो उसकी माँ बाद में दिलाने का बात करती, लेकिन सोली ये समझ जाती कि उसकी माँ झूठ बोल रही है। और इसी तरह से जब उसके पेरेंट्स पैसे के लिए बहस कर रहे होते हैं तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोली ये झूठ समझ जाती थी। और प्रेजेंट वाली सोली कहती है, मैं पहले सोचा करती थी सबकी झूठ ये सब जानना ये बहुत ही दर्द देती है, लेकिन बाद में मुझे मेरी क्लासमेट ने किसी का झूठ पकड़ने के लिए पैसे ऑफर किए तो मैं समझ गई कि यही आसान तरीका है पैसे कमाने का। और जब भी लोग जानते कि मैं झूठ को डिटेक्ट करती हूँ तो लोग इस पर बिलीव नहीं करते थे, तो इसी वजह से मैं अपने आप को एक शमन के तौर पर इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दी और मेरे पास बहुत से क्लाइंट आना स्टार्ट हो गए जिससे मुझे बहुत पैसे मिला करते। और इसके बाद मुझे एक जगह की ज़रूरत पड़ी जहाँ पर मैं ये काम आसानी से कर सकूँ, और उस जगह का नाम टेरेट कैफ़े रखती है। और सोली ये भी कहती है कि वो सिर्फ इंसानों का झूठ को डिटेक्ट कर सकती है, किसी और चीज़ का नहीं। और नेक्स्ट सीन में दोहा कहीं पर जा रहा होता है और हम उसको देखते हैं जो कार के अंदर मास्क लगाकर होता है। और जब पुलिस अल्कोहल डिटेक्ट करने के लिए मास्क हटाने के लिए बोलता है तो दोहा हटाने नहीं मांग रहा होता है, तभी वहाँ पर दूसरी कार एक पुलिस को एक्सीडेंट करके चले जाता है, तो वो सब पुलिस उसको पकड़ने के लिए लग जाते हैं और दोहा मौका देखकर निकल जाता है। तो दूसरी तरफ अवार्ड सेरेमनी होते हुए देखते हैं और सायोन जो सेकेंड फीमेल लीड है वो परफॉर्म कर रही होती है। और जब अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने का टाइम आता है तो सब दोहा को बेस्ट सॉन्ग राइटर का अवार्ड देते हैं, और दोहा वहाँ पर अवार्ड लेने के लिए नहीं आया होता है तो उसके जगह पर सायोन अवार्ड लेती है। और इसके बाद पार्टी में कुछ लोग दोहा के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो अपना फेस सबको क्यों नहीं दिखाता है, शायद वो एक स्पेशल एजेंट है जिस वजह से फेस नहीं दिखाता है। तो कोई कहता है वो शायद स्टूडेंट है, तो कोई कहता है कि वो शायद म्यूजिशियन है, तभी इन सबकी बातें सायोन सुन रही होती है। तो ये तीनों सायोन को देखकर दोहा के बारे में पूछते हैं कि वो कैसा दिखने में लगता है, तो सायोन कहती है उसका वॉइस सुनने में बहुत अच्छा है। और इसके बाद सायोन अपने फ्रेंड के पास जाकर वापस घर चलने की बात करती है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है और उसे भूख भी लगी होती है, क्योंकि ये ड्रेस पहनने के लिए सायोन 2-3 दिनों से खाना उतना खा नहीं रही थी, इसी वजह से जाने की बात करती है। तो ये सुनकर वो आदमी जो कि जे एंटरटेनमेंट का सीईओ है और इसी का एजेंसी में दोहा और सायोन काम करती है, वो ना थोड़ी देर और रुकने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर दोहा के एक कॉम्पिटिटर वो आकर सबसे कहने लगता है कि दोहा कॉपीकैट है, उसने मेरा गाना को कॉपी किया है। तो ये देखकर सीईओ वो आदमी को बाहर ले जाने को कहता है। और इसके बाद जब सायोन यहाँ से जा रही होती है तो रिपोर्टर सायोन का देखकर उसका पीछा करने लगते हैं, और हम सायोन को देखते हैं जो दोहा के घर पर आती है और उसको अवार्ड देती है। तो ये देखकर दोहा खुश हो जाता है और सायोन दोहा के साथ एक सेल्फी लेती है। और जब दोहा इसको घर जाने के लिए कहता है तो सायोन घर नहीं जाती है और वो दोहा से फ्लर्ट करने लगती है और दोहा को कपड़ा का जीप खोलने को बोलती है, तो दोहा इसे इग्नोर कर देता है। और जब सायोन वहाँ से जा रही होती है तो उसका ब्लेजर रास्ते में गिर जाता है, तो जैसे ही उठाने लगती है तो रिपोर्टर्स उसका फ़ोटो लेने लगते हैं जिस फोटो में सायोन का जीप थोड़ा सा खुला हुआ होता है। और जब दोहा सोकर रहता है तो वो एक ड्रीम देखता है जहाँ पर वो एक लड़की के साथ है और अचानक से ब्लड उसके हाथों में आ जाता है और दोहा ये देखकर डर जाता है और उसका नींद टूट जाता है। और नेक्स्ट डे टेरेट कैफ़े में एक लेडी आती है और वो वहाँ के कैसेंड्रा से मिलती है, और कैसेंड्रा उस क्लाइंट को देखकर कंफर्म करती है कि वो वही है या नहीं। और जब कंफर्म हो जाता है तो कैसेंड्रा उसे सोली के पास लेकर जाती है। तो दूसरी तरफ जब दोहा घर आ रहा होता है तो वो बाहर में बहुत सारी रिपोर्टर्स को देखता है, और जब पार्किंग एरिया में रहता है तो दोहा से एक रिपोर्टर मिलता है जो छुपते हुए वहाँ पर आ गया होता है, और जैसे ही दोहा को देखता है तो वो रिपोर्टर्स दोहा का फ़ोटो लेने लग जाते हैं। तो दोहा अपना फेस को हाइड करते हुए रूम के अंदर आता है, लेकिन फिर भी रिपोर्टर्स दोहा का फ़ोटो लेने के लिए वो ड्रोन के हेल्प से फ़ोटो लेने चलता है। तो दोहा ये देखकर जल्दी से सब विंडो को बंद कर देता है। और इसके बाद वो सीईओ जिसका नाम दियोकचान है वो दोहा और सायन के बारे में आर्टिकल दिखाता है जो कि इन दोनों का सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में होता है। सच बताऊँ तो ये जो रिलेशनशिप के बारे में जो रूमर है वो सब झूठ है, क्योंकि दोहा अभी तक सिंगल है और वो अभी तक किसी भी लड़की को डेट नहीं किया है। और दोहा ये आर्टिकल देखकर पूछता है कि सायोन ठीक है या नहीं। तो ये सुनकर दियोकचान कहता है, तुम हर वक्त दूसरे के बारे में क्यों सोचते रहते हो, तुम्हें तो अपने बारे में सोचना चाहिए, रिपोर्टर्स हर दिन यहाँ पर आते रहेंगे। और ये कहते हुए न्यू घर में शिफ्ट होने का कहता है। तो दोहा
यहीं पर रहने का बात करता है तो दिरक्षण पूछता है कि तुम कब तक यहाँ पर रहोगे, और ये कहते हुए दूसरे घर में शिफ्ट होने के लिए सोचने को कहता है। और इसके बाद हम दुआ को देखते हैं जो ब्लैक हुडी पहनकर अपने फेस को कवर करके कहीं जा रहा होता है। तभी हम इसी तरह के ड्रेसअप में एक लड़का को देखते हैं जो एक लेडी का पीछा कर रहा होता है और वो उस लेडी को पकड़ लेता है। तो दूसरी तरफ सोली कन्वीनियंस स्टोर में कुछ खरीद रही होती है। तभी उसकी नज़र ब्लैक हुडी वाले पर्सन पर पड़ता है जो देखने में तो दोहा के तरह ही है, और ये दोहा है या नहीं ये हमें बाद में पता चलेगी। और यहाँ पर सोली इसे देखकर अनकम्फर्टेबल फील करने लगती है और वो डर कर जल्दी से अपने घर में चले जाती है। और ये जो पर्सन है वो सोली के अपार्टमेंट की तरफ देख रहा होता है। और नेक्स्ट डे सोली कैसेंड्रा से कहती है, मैंने वो हुडी वाले पर्सन को देखे। तो कैसेंड्रा ये सुनकर उसे कुछ देती है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है जहाँ पर शॉपकीपर कोऑपरेटिव मीटिंग में उसे इनवाइट करता है। और जब सोली वो मीटिंग में जाती है तो जितने भी शॉप के ओनर होते हैं वो सब उस मीटिंग को ज्वाइन किए होते हैं। और सोली इन सब के बातों को सुनकर समझ जाती है यहाँ पर सब झूठ बोल रहे हैं। तो सोली अकेले में बैठने का डिसाइड करती है। तभी जो जगह खाली रहता है उस जगह पर कुछ लोग आकर बैठ जाते हैं। तो सोली को उसके कैफ़े के बगल वाले शॉप के ओनर अपने पास बुलाते हैं। तो सोली के पास कोई और जगह नहीं रहता है तो वो वहाँ पर जाकर बैठती है। तभी जो ये मीटिंग अरेंज किया होता है वो वहाँ पर आकर उस ब्लैक हुडी के बारे में बात करता है और सारे लेडीज़ को सेफ रहने के लिए कहता है। तो दूसरी तरफ जब कैसेंड्रा शॉप बंद करके घर जा रही होती है तो वो हुडी वाला लड़का उसका पीछा करता है। तो कैसेंड्रा ये देखकर डर जाती है और अपने पास से पेपर स्प्रे निकालकर उसके आँखों में स्प्रे करके भागने लगती है, लेकिन फिर भी वो लड़का पीछा नहीं छोड़ता है। और कैसेंड्रा बचने के चक्कर में वो नीचे गिर जाती है और कैसेंड्रा चिल्लाने लगती है। और हम मीटिंग में देखते हैं जहाँ पर सब उस आदमी के भाषण सुनकर बोर हो गए होते हैं, लेकिन उस आदमी का बकवास ख़त्म नहीं हो रहा होता है। तभी वो सब आग लगने के बारे में किसी का चिल्लाने का आवाज़ सुनती है। तो ये सभी ये सुनकर देखने के लिए जाते हैं कि कहाँ पर आग लगा है। तभी उन सबको कैसेंड्रा मिलती है जो कि बहुत बुरा हालत में रहती है, और वो इन सबसे कहती है कि मैं उस लड़के को देखे जो सब लड़कियों का सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, और मैं उससे पीछे छुड़ाने के लिए जब मैं चिल्लाना शुरू कर दी तो वो बचने के लिए दूसरी तरफ चले गया। तभी वहाँ पर सोली आती है और वो पूछती है, मैंने किसी का झूठ कहते हुए सुने। तो कैसेंड्रा कहती है, अगर मैं सबको हेल्प करने के लिए बुलाती तो कोई नहीं आता, इसी वजह से मैं आग लगने का बहाना करके सबको यहाँ पर बुलाई। और सब उस लड़का को पकड़ने के लिए जाते हैं। तभी बेकरी शॉप का ओनर को वो हुडी वाला लड़का मिलता है जो कि रियल कल्प्रिट ना होकर दोहा है। और जब शॉप ओनर उसे देखता है तो वो दोहा को पकड़ने जाता है। तभी वहाँ पर एक और आदमी आकर पकड़ने के लिए जाता है तो उसका पांव यहाँ पर स्लिप हो जाता है, और स्लिप होने के चक्कर में कपड़े जो पहनकर होता है वो उसे निकाल देता है। और जब ये दोनों अपने में उलझ जाते हैं तो दोहा भागने लगता है। तभी वो चारों तरफ से घिर जाता है और सब उसे पकड़ लेते हैं और सब उसे कल्प्रिट समझ रहे होते हैं। तो दोहा कहता है कि मैं वो नहीं हूँ। तो सोली ये सुनकर समझ जाती है कि ये सच बोल रहा है। तो जैसे ही दोहा का मार्क्स निकालने के लिए सब जाते हैं तो सोली इन सबको रोकती है और कहती है ये सच बोल रहा है। और यहाँ पर दोहा सोली को देखकर पहचान जाता है कि ये वही बस वाली लड़की है। और जैसे ही दोहा इतने सालों बाद सोली को देखता है तो वो सिर्फ उसे ही देखने लग जाता है। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को ये सीरीज़ का ये फर्स्ट एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।